मध्य प्रदेश के कमलनाथ मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कमलनाथ ने उद्योग, जनसंपर्क, रोजगार और तकनीकी शिक्षा जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं और गृह विभाग देने के बाद बाला बच्चन को अपने साथ संबद्ध कर दिया और वित्त विभाग तरुण भानोत को दिया। इस बंटवारे से यह साफ हुआ है कि वित्त और गृह विभाग को लेकर जो पेच पछा था उसमें दिल्ली ने कमलनाथ की इच्छा पर मुहर लगा दी। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को नगरीय विकास और करीबी प्रियवंत सिंह को ऊर्जा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के तुलसी सिलावट को स्वास्थ्य दिया गया है। आइए जानते हैं किस विभाग को क्या मिला, कौन सा विभाग किस मंत्री को मिला। डॉक्टर गोविंद सिंह सहकारिता एवं संसदीय कार्य, आरिफ अकील भोपाल के एस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण तथा पर्यावरण तुलसी सिलावट, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा खेल तथा युवा कल्याण बाला बच्चन, गृह जेल मुख्यमंत्री संबद्ध लाखन सिंह यादव, पशुपालन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विजय लक्ष्मी साधो, चिकित्सा शिक्षा आयुष एवं संस्कृति हुकम सिंह कराड़ा, जल संसाधन गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व एवं परिवहन ओमकार सिंह मरकाम, जनजातीय कार्य डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, स्कूली शिक्षा जयवर्धन सिंह, नगरीय विकास एवं विकास हर्ष यादव, कुटीर ग्राम उद्योग अमलेश्वर पटेल, पंचायत तथा ग्रामीण विकास लखन घनघोरिया, सामाजिक न्याय तरुण भानोत, वित्त पीसी शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य सुरेंद्र सिंह बघेल, नर्मदा घाटी तथा पर्यटन सुखदेव पासे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सचिन यादव, किसान कल्याण कृषि विकास उमंग सिंघार, वन विभाग प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन महेंद्र सिंह सिसोदिया, श्रम इमरती देवी, महिला तथा बाल विकास प्रियवंत सिंह राठौर, ऊर्जा ब्रजन सिंह, वाणिज्यिक कर। तो इस प्रकार से युवाओं को बड़े विभाग सौंपे गए हैं और राहुल गांधी के करीबियों को भी तवज्जो दी गई है।